बीजेपी के गोशा महल के सस्पेंडेड एमएलए टी राजा सिंह को आज पुलिस ने पीडी एक्ट के तहत चिल्लापल्ली जेल भेज दिया मैं वाजह कर दूं कि राजा सिंह पर पुलिस के मुताबिक अब तक 101 केस दर्ज हैं नाजरीन में वाजे कर दूं कि शहर में अमन और शांति का माहौल है और पुलिस व पुलिस के आला अफसरान के साथ आर व दीगर फोर्स की शहर पर कड़ी नज़र है दूसरी खबर आ रही है कि कल तमाम प्रोटेस्ट को मशाकिन ने कैंसल कर दिया है राजा सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ी ख़बर आ रही है फिर से एक बार मैं वाजे कर दूँ कि कल कोई प्रोटेस्ट या रैली नमाज जुमा के बाद नहीं निकाली जाएगी मैं नौजवानों के घर वालों से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों की हिफाज़त करें और नमाज के फौरी बाद घर लौट जाने का हुक्म दें नाजरीन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करना ना भूलें मैं इस वक्त अम्बरपेट पुलिस स्टेशन में हूँ और हमारे साथ बहरहाल बहुत ही एक्टिव और दयानदार ऑफिसर ए सी पी देवेंदर साहब हैं और चादर घाट पुलिस स्टेशन के आ, सर्कल इंस्पेक्टर रमेश साहब हैं सॉरी सतीश साहब हैं और एक अहम ऐलान जो करना है आज बराल राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है और इसमें पुलिस का और रियासती हुकूमत का बड़ा अहम समझिएगा किरदार रहा है वो पुलिस ऑफिसर्स में एक पुलिस ऑफ़िसर ख़ुद एसीपी साहब हैं जो उस उनके पास भी कुछ केसेस थे और पीडी एक्ट के तहत राजा सिंह को भिजा दिया गया तो जब समझिए कि गुस्ताख़ रसूल को आ, पीडी एक्ट के तहत भिजा दिया गया है तो कल जुमे की जो रैली थी कल जुमे का जो एहताज था वो रैली और एहतजाज ख़त्म की जाती है कोई रैली और कोई एहताज जुमे को किसी भी मस्जिद के सामने चाहे वो मक्का मस्जिद हो या शहर की किसी भी मस्जिद के सामने और मैं डिस्ट्रिक्ट के तमाम समझिए कि जो ऑर्गेनाइज़र्स थे जो मुख्तलफ़ डिस्ट्रिक्स में रैलीस निकाल रहे थे और जो डिसीशन लिया था मैं उनसे भी कहूँगा यकीनी तौर पर बहुत से डिस्ट्रिक्ट में परमिशन मिला था तो उनसे भी ये कहूँगा कि डिस्ट्रिक्स में भी राजा सिंह के ख़िलाफ़ जो शान रिसालत का मसला था उस ताल्लुक से भी कोई रैली डिस्ट्रिक्स में भी नहीं निकली हैदराबाद और सिकंदराबाद में कोई प्रोसेशन कोई प्रोटेस्ट इस वक्त समझिए कि नहीं होगा क्योंकि पीडी एक्ट के तहत ये बहुत पॉजिटिव है पुलिस ने बड़ा काम किया है पीडी एक्ट के तहत समझिए कि में रसूल को जेल भेजने का काम किया है तो हुकूमत तेलंगाना का हम शुक्रगुजार हैं और पुलिस के भी मैं शुक्रगुजार हूँ दूसरी जो अहम बात है देखिए कल भी मैंने ये बात कही थी कि हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब और हैदराबाद मजहबी रवादारी आपसी महबत और एक दूसरे के मज़ाहिब के एहतराम का शहर रहा है और ये बहुत बड़ी क़ीमती दौलत है इसको बचा कर रखिए लोग इसको बिगाड़ना चाहते हैं लोग नफ़रत पैदा करना चाहते हैं लेकिन इस नफ़रत के माहौल में बहरहाल हैदराबाद मोहब्बतों का पैगाम दे अभी गणेश फेस्टिवल भी आ रहा है उस गणेश फेस्टिवल में भी जैसे मैंने कहा एक बात बहुत क्लियर मुस्तकिल कह रहा हूँ कि ये जो शान रिसालत की लड़ाई थी वो लड़ाई हिंदू मजहब के खिलाफ लड़ाई नहीं थी वो शाति में रसूल राजा सिंह के खिलाफ लड़ाई थी कोई मजहबी लड़ाई ये नहीं थी वो हम हमारा मतलब हुकूमत से था और हुकूमत ने मुसलमानों के जज्बात और एहसास का ख्याल करते हुए बहुत तेज़ी के साथ कार्रवाई करते हुए शाति में रसूल को जेल भेजने का काम किया लोग नोट कर लें कि नुपुर शर्मा अब तक आज़ाद है लेकिन तेलंगाना में समझे कि तेलंगाना की ये पुलिस ने एक बड़ी मिसाल कायम की है पूरे मुल्क के लिए तो उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ गणेश फेस्टिवल जो आ रहा है उस गणेश फेस्टिवल में भी पूरा मन समझिए कि गणेश फेस्टिवल गुजर जाए कोई समझिए कि उसमें तनम तनी या फिर कोई समझिए कि फिरकारा माहौल पैदा मत की है मुल्क में एक मिसाल कायम की एहतजाज हैदराबाद सिकंदराबाद और तेलंगाना के पूरे अजला में जहाँ जहाँ भी रैली निकाली जा रही थी वो कैंसिल की जाती है और हम समझिए कि पुलिस को अप्रिशिएट नहीं होगा मोहब्बतें बांटने के लिए आए थे नफरतें बांटने के लिए नहीं आए थे अस्सलाम वालेकुम